नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर 3 दिवसीय 18वीं ऑल इंडिया स्वर्गीय हनुमान सिंह पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता को लेकर हैंडबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्ता ने सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। शहर के हाई सेकेंडरी स्कूल मैदान में चल रही 3 दिवसीय 18वीं ऑल इंडिया स्वर्गीय हनुमान सिंह पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता को लेकर गुरुवार को सर्किट हाउस में लोकसभा ओएसडी हैंडबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्ता ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हैंडबॉल प्रतियोगिता 13 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में भाग ले रही है। उन्होंने बताया कि इंडियन रेलवे, पंजाब, बीएसएफ, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान पुलिस और राजस्थान टीमों के 25 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग ले रहे। शुक्रवार शाम 5 बजे प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण के साथ समापन होगा। दत्ता ने कहा कि बूंदी शहर में अभी राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय हनुमान सिंह लोकप्रिय कर्मचारी नेता एवं कुशल खेल प्रशासक भी रहे हैं। स्वर्गीय सिंह राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जलदाय विभाग कर्मचारी संघ के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। दत्ता ने बताया कि राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ व राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष भी रहे, राजस्थान ओलंपिक संघ के महासचिव भी रहे। प्रतिवर्ष उनकी याद में यह अखिल भारतीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश की सर्वश्रेष्ठ टीमें भाग लेती है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सभापति महावीर मोदी, विजयंत सिंह आमेरा, सत्यनारायण शर्मा, बालिता सुरेंद्र सिंह सोलंकी, नारायण सिंह हाड़ा, प्रदीप श्रीमाल, अनिल चतुर्वेदी, दिनेश राठौर, नीरज पांडे, चित्रांश तारवान, गौरव वर्मा, तुषार पारे, अमर सिंह, अंकित भाट, राजेश पुलवाल, सुरेश नागर, महावीर हल्दिया, ललित जैन आदि मौजूद रहे। अपने शहर बूंदी में 18वीं ऑल इंडिया हनुमान सिंह हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 13 से 15 तक, कल से शुरू हुई बरसात वगैरह थी इसलिए थोड़े मैच डिले हुए, 15 को इसका समापन होगा। देश की प्रमुख 8 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, रेलवे, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, 8 टीमों के साथ उसमें 25 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। पहले आज से करीब 2019 में हमने कोटा कराया था ये प्रोग्राम। मेरी इच्छा थी, स्वर्गीय हनुमान सिंह जी मेरे परिचित रहे हैं, जयपुर में पोस्टिंग रही है, उनका हैंडबॉल के प्रति बड़ा योगदान इस राजस्थान में। अगर हैंडबॉल को किसी ने जिंदा रखा है या किया है तो वो हनुमान सिंह जी। राजस्थान को हैंडबॉल के रोड मैप पे लाना, उसका प्रतिनिधित्व दिलाना, खिलाड़ियों को आगे से आगे उनको प्रेरित करना, उनको नेशनल इंटरनेशनल सिलेक्शन कराना, ऐसा उनकी भावना हैंडबॉल के प्रति थी। चूँकि हम भी काफ़ी कार्यक्रमों में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, पर हमारी भी ये इच्छा रहती है कि कोई भी ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट किसी भी जगह होता है, इस टूर्नामेंट को पिछली बार जयपुर में हुआ था, जयपुर अपने आप में ही इतना आगे प्रगतिशील है कि वहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये निर्णय लिया, मैंने तेजराज सिंह से भी कहा, इनके सुपुत्र हैं, यही देखते हैं कि इसको बूंदी में अपने को टूर्नामेंट करना चाहिए। यहाँ के बच्चे ये देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल कैसा होता है, नेशनल लेवल का खेल कैसा होता है। खेल, अब खेल और पढ़ाई दोनों समकक्ष हैं। पहले जो बच्चा खेलता था उसको कहते थे यार कि इसका कोई कैरियर नहीं बनेगा, इसका आगे कोई भविष्य नहीं है, पर अब इतनी प्रीमियर लीग, इतने खेल और इतनी सुविधाएं मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई कि हर खेल का बराबर योगदान एक खिलाड़ी के प्रति रहता है। हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, गांव-गांव में सब क्रिकेट खेल, खेल में प्रतिभाशाली है, जिस खेल में उसका इंटरेस्ट है उसको उसका उचित भविष्य उसमें मिले, ऐसा करना हमारा फर्ज बनता है। हमने यहाँ
ये व्यवस्था रखी है कि स्कूल के बच्चे आए, इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल देखें, देखने के साथ तकनीक सीखें, उनमें प्रोत्साहन आए। ऐसे करने के बाद एक प्रीमियर हैंडबॉल लीग भी हम आयोजित कराएंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल, जिससे इन बच्चों को सुविधाएं और साथ साथ रेमुनरेशन भी मिलेगा जो कंपनीज और बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस देते हैं। मेरा आपसे इंटरेक्शन करने का एक यही पर्पस था कि दूर गांव में बैठा खिलाड़ी, कोई दूर गांव में बरड़ क्षेत्र में है, कोई नमक खटकड़ में है, नमाना में, उसकी अंदर थोड़ी सी भी प्रतिभा अगर हैंडबॉल खेलने की है तो वो यहाँ के खेल देखे, उसके अनुसार उसका वो खेल का अपना रुझान देखे, खिलाड़ियों से प्रोत्साहन ले और उसको अगर कैरियर बनाना चाहता है तो कैरियर बनाए, ऐसा हमारा मानना है। कितने मैच होंगे? मैच तो लगातार चलते हैं लीग के हिसाब से, इसमें जैसे अभी सेमीफाइनल कल शुरू हो जाएगा, आज मैच थे चार सुबह थे, चार आज थे, जैसे कल चार थे, चार अब, तो आज के मैच थोड़े डिले हो गए, अभी कितने दो हुए, सुबह चार हो गए थे, शाम वाले, हाँ शाम के फिर कब हुए, हायर सेकेंडरी स्कूल में हो रहे हैं मैच, अभी बरसात आ गई तो बरसात में पानी भर गया, कितनी टीमें आई हैं, आठ, सुबह और शाम होते हैं, सुबह 8 से 7 बजे शुरू कर देते हैं, 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है पहला हाफ, एक जो मैच खेला जाता है उसमें मिनिमम 40 मिनट लगते हैं, 15-15 और 10 मिनट का इंटरवल, ये इसका दो मैदान बनाए हुए हैं, एक हमने दूसरा मैदान सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है, पर एक मैदान हमारा इस टूर्नामेंट के लिए सफिशिएंट है। कितने दिवस से लगेंगे? कल आखिरी है, 15 को इसका फाइनल हो जाएगा शाम को, हमने उसके साथ एक सांस्कृतिक संध्या भी रखी है, जैसलमेर से कलाकारों को बुलाया है, वो भी यहाँ लोगों को प्रस्तुति देंगे अपनी, और चाहेंगे कि कोई अच्छा लीडर भी आ जाएगा, तो हम बताएंगे कल आपको कंफर्म करने के बाद, उसका समापन करेंगे, समापन भी कल ही करवाएंगे, हाँ कल शाम को कराएंगे। क्या मन से जो खेल को लेकर, देखिए पहले जो नारा चलता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, उसको हम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खेल को भी उतनी ही वरीयता, उतनी ही प्राथमिकता हर छात्र को मिले, उसको एज अ कैरियर बनाए, अपने को आगे खड़ा हो, पहले बेचारा खिलाड़ी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होता था, मैं खुद हैंडबॉल का नेशनल खिलाड़ी रहा हूँ, बास्केटबॉल का नेशनल खिलाड़ी रहा हूँ, हमने उन अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में उन स्थितियों में खेला है जब पहनने को हमारे पास जूते नहीं होते थे, हमारे को कोई टूर्नामेंट में जाते थे वहाँ TADA नहीं मिलता था, तो हमने वो अभावग्रस्त चीज़ें देखी हैं, फिर भी हम खेले पड़े, आज के छात्रों को खिलाड़ियों को ये सब नहीं हो, उनको नया प्रोत्साहन मिले, और हमारे टाइम खेल कोई स्पोर्ट्स कैरियर नहीं था, कोई बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होता था उसको रेलवेज या सर्विसेज वगैरह नौकरी देते थे, आजकल तो हर जगह नौकरी मिलती है, राज्य सरकार ने 2% कर रखा है, आप इंटरनेशनल खेल गया हो 2% कोटे में आपको सरकारी सब इंस्पेक्टर बनाते हैं, अच्छा मेडल लेके आओगे डिवाइस भी बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें राजस्थान पुलिस में होगी, सरकार में होगी, सब जगह होगी, तो इसलिए ये कहना नहीं है कि आदमी मेहनत करता है तो उसका कुछ नहीं होगा, तो इसका प्रचार प्रसार ऐसा होना चाहिए कि खेल को भी उतनी वरीयता, देखिए हर का छात्र का IQ होता है, कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है, कोई पटवारी बनता है, जिसका जितना IQ होता है उसके हिसाब से उसकी रहता है, बट बाकी जो खिलाड़ी है खिलाड़ी के लिए बेचारे का कोई स्कोप नहीं होता, वो इतनी मेहनत करता है दिन रात, पढ़ाई के लिए उसके पास टाइम नहीं होता, फिजिकल एग्जेक्शन बहुत होता है,
तो इसलिए खेल को भी एज अ कैरियर चुनना चाहिए। मैंने अभी यहाँ पे कोटा के कैरियर इंस्टीट्यूट में बात करी है कि ऐसे कोई टूर्नामेंट्स होंगे जिनमें यहाँ ग्रामीण के बच्चे खेलेंगे, उनको टूर्नामेंट को पूरा स्पॉन्सरशिप वो देने के लिए राजी। बूंदी से आएगा उसको पूरी सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे, उसके लेवल की अगर वो नेशनल खेलना चाहेगा नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय खेलना अंतर्राष्ट्रीय खेलना चाहेंगे। ये टूर्नामेंट करने वाले का कराने का काम ही यही है, प्राथमिकता ही यही है। रातेघाल में ना अभी गादेगाल तो गांव अपने पास का ही है, सीनियर नेशनल खेल के आया है और अभी इस राजस्थान की टीम में 3 लड़के खेल रहे हैं अपने बूंदी, ये बहुत बड़ी बात है। गिरधारी वीरा का बचपन भी यहीं निकला है, जॉइंट बाल से जुड़े हुए ना गिरधारी वीरा जो ये वाले के जैसे पार में रहते थे जयपुर में। इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो, बड़ा खेल शहर में चर्चा का विषय सर के आज ही जनता चुनाव लड़ने का मन बना है। नहीं नहीं कोई चुनाव नहीं लड़ हरी झंडी सेवा 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 प्रमोदर सेवा किसी जगह रहो सेवा करो। जरूरी थोड़ी कि आप चुनाव लड़की सेवा कर सकते हो, अभी भी कर रहे हैं ज़्यादा कर सकते। चुनाव में आप बन जाओगे चुनाव लड़की ज़्यादा सेवा कर सकते। और अपना अपना सोच है, अगर पार्टी आपको मौका देती है अभी कोई ऐसा नहीं है और ऑफर नहीं है, फ्यूचर की तो किसी को पता नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं OST बन के वहाँ लोकसभा अध्यक्ष जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये तो डेस्टिनी है, जिसकी जहाँ लिखी हुई कि वो वहाँ जाएगा। ऑफर तो आया होगा, अभी कोई ऑफर नहीं है।